गुलबर्गा शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं, पर माली हालात कमजोर होने की वजह से बेहतर तालीम देने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जरिए गुलबर्गा शहर में एमएसके मिल और मालगत्ती क्रॉस पर मौलाना आज़ाद नामी एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, जिसके ताल्लुक से ज़्यादातर आवाम बेखबर हैं। मौलाना आज़ाद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां माइनॉरिटीज़ के लिए 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। SDPI गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब अली मिलाही ने मौलाना आज़ाद स्कूल का इंस्पेक्शन कर स्कूल स्टाफ और तमाम स्टूडेंट से मुलाकात कर यहां के हालात देखे और आवाम से गुजारिश की है, आप अपने बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मालगत्ती क्रॉस पर मौलाना आज़ाद स्कूल को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लॉकडाउन के बाद, कोरोना की महामारी के बाद अब तीसरा वेव शुरू हुआ है। बहुत सारे लोग कारोबार ना रहने की वजह से, बहुत सारे लोग अपने जो बच्चे जो अब स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, फीस भर नहीं भर सक रहे और एडमिशन्स नहीं ले सक रहे, बहुत सारे स्कूल्स के इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से जो रन होने वाला एक मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो मालगत्ती क्रॉस पे एक स्कूल है और एक है एमएसके मिल में, जहां पर 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक वहां पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। लड़का हो या लड़की हो, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उन लोगों को यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। तो पूरे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत अच्छा वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक स्कूल है, जहाँ पर अभी भी सीट्स मालगत्ती क्रॉस पर जो स्कूल है मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ पर अभी भी 30 से ज़्यादा वैकेंट सीट्स हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर 6th स्टैंडर्ड से वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं, ये बहुत फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा तालीम, अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं अच्छे अच्छे स्कूल्स में, लेकिन वहाँ पर फीस नहीं भर सकते और अपनी माली हालत उतनी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, तो जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं भेज सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, ऐसे स्कूल्स जो गवर्नमेंट से जो रन होने वाले स्कूल्स हैं वहाँ पर एडमिशन करवाइए, वहाँ पर निगरानी करिए। और मैं हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि आप जिस जिस एरिया से जो इलेक्ट हुए हैं, आप लोग अपने अपने एरिया के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर SDMC जो कमेटी है उन लोगों से आप पूछताछ रखिए और वहाँ का सर्वे करिए, इंस्पेक्शन करिए, किस तरीके से स्कूल्स चल रहे हैं वो भी आप लोग देखिए, ताकि गरीब बच्चे वहाँ पर अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ सके। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में मैनेजमेंट रहने की वजह से, वहाँ पर अच्छा खासा मैनेजमेंट रहने की वजह से स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पर बहुत ही TET उनका एग्जाम होता है, KPSC से सेलेक्ट होकर अच्छे टैलेंटेड टीचर्स वहाँ पर आए हुए रहते हैं, वहाँ पर निगरानी मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमारे बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आता। तो हम लोग स्कूल के जरिए से ही हम लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और अच्छे बच्चों को सोसाइटी में एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स पर तवज्जो दें।